दरभंगा से बड़ी खबर है। पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। पथराव में होमगार्ड जवान की मौत की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा से पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला और ग्रामीणों के हमले में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से हम आपको बता रहे हैं। विपिन कुमार हमारे साथ, आखिर पथराव क्यों हुआ विपिन और अभी फिलहाल क्या हालात हैं? जी बता दूं कि ये बिरौल थाना के दंगा जो वाहन है उसमें ये चालक काम कर रहे थे, उसी में बिरौल से स्पेशल पुलिस टीम को भेजी गई थी। नेहरा ओपी में एक जमीन था जो कब्जा किया गया था, उस कब्जे को जमीन मुक्त कराने के लिए पुलिस की टीम वहां गई हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर अचानक से हमला बोल दिया और इस हमले में तेज नारायण सिंह जो है होमगार्ड के जवान उनको गंभीर चोटें आई, जब तक डीएमसीएच लाया गया उनकी मौत हो गई। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस पर ग्रामीणों का हमला और दरभंगा से बड़ी खबर अब जहां पर पथराव में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है, ग्रामीणों ने यह हमला किया था। भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा के बीच एक स्कूल के बच्चे और शिक्षक नाव से स्कूल आते हैं। तस्वीर सबौर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक ही भवन में संत नगर और प्राइमरी स्कूल और लालू चक दियारा प्राइमरी स्कूल चलते हैं। छात्रों को स्कूल तक लाने और ले जाने का काम शिक्षक और प्रभारी हेडमास्टर को करना पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि परेशानी तो होती है लेकिन छात्रों का उत्साह देखकर उनका हौसला भी बढ़ता है। हालांकि इस तरह स्कूल जाने में खतरा भी है। पड़ता है और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके आना ही पड़ता है। स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय संत नगर, और उसके साथ उसी में टैग है प्राथमिक विद्यालय।